नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 12 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि दस बज करके एक मिनट तक है और इसके पश्चात षष्ठी है स्वाति नक्षत्र प्रातः आठ बजे तक है और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है व्याघात योग कौलवकरण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के चौवालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के इकतीस मिनट तक का होगा वहीं राहु काल शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वति प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की शुक्र और राहु युति बनाकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं मंगल वृषभ में केतु और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं सूर्य बुध और शनि ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ में और देव गुरु मीन में ये है ग्रह स्थिति गोचर कुंडली में आज एक बड़ा परिवर्तन शुक्र के रूप में हो रहा है शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि से निकलकर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर गए शुक्र का यह गोचर मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है इसकी हमने पूर्व में ही चर्चा कर ली है पर फिर भी आज की राशि फल में हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि शुक्र किस तरह से प्रत्येक राशि के जातकों को प्रभावित करेंगे बाकी की स्थितियों की बात करें तो आज गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे विशाखा नक्षत्र में यह चंद्रमा रहते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले थोड़ी देर के लिए यह राहु के नक्षत्र स्वाति में भी रहेंगे आठ बजे तक इसके पश्चात फिर पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में है तो रविवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए आज के दिन बेहद खास है और कौन सी वो राशियाँ हैं जिन्हें आज सुचेत रहने की आवश्यकता है कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए आज छुट्टी के बावजूद आप अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और कौन सी वो राशियाँ हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रहस्थिति इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक नि, राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें 17 मार्च दिन शुक्रवार गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि दस बज करके चौबीस मिनट से मध्य रात्रि बारह बजे तक का मिल रहा है कन्या संतति की चाह रखते हैं तो गर्भाधान का बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर है का स्नान का मुहूर्त दोपहर एक बज करके उन्नीस मिनट से दोपहर तीन बज करके अड़तालीस मिनट के बीच है नामकरण अन्न प्राशन नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना चाहते हैं नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करना चाहते हैं आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो दोपहर तीन बज करके अड़तीस मिनट से शाम पांच बज करके तिरपन मिनट तक का मुहूर्त है आप इस दौरान ये सभी कार्य कर सकते हैं प्रिय दर्शकों विरक्ति और सन्यास ये है तो मिलता जुलता लेकिन असल में ये अलग अलग बातें हैं विरक्त कोई भी हो सकता है लेकिन सन्यास लेना सन्यासी होना सं होना ये थोड़ा अलग है जन्म कुंडली में जो प्रव्रज्ञा योग है वो मूलतः व्यक्ति को उदासीन तो करता ही है कई बार संस की ओर भी प्रवृत्त करता है कुछ मामलों में मैंने इस पर अलग भी चर्चा करके आपको समझाया है कि दसम और एकादश में चार से अधिक ग्रह हो या तीन चार ग्रह हो या चार से अधिक ग्रह हो तो प्रव्रजा योग बनता है कारण मैंने बताया था कि जातक अपने जीवन काल में इतनी सफलता हासिल कर ले कि मानवीय गुण क्या है कि जिन चीजों को वो पा लेता है उन चीजों से उससे विरक्ति हो जाती है या उसके तरफ से मन उसका उदासीन हो जाता है तो ये प्रवजा योग लेकिन जो तो शास्त्र में कुछ ऐसे भी योग कहे गए हैं जहां जातक हर तरह के सुख में रहते हुए भी विरक्त होता है विरक्त का यहां अर्थ उसको किसी भी चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है आप इसको केवल धन से मत जोड़िए आप इसको हर चीज से जोड़िए दाम्पत्य सुख हो सकता है संतति का सुख हो सकता है यहाँ तक कि उसके आसपास एक आम जीवन में हमें क्या चाहिए होता है हम सामान्य छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत खुश हो लेते हैं लेकिन ये जो योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन योगों का जन्म कुंडली में होना इस बात का परिचायक है इस की जातक विरक्त होगा वो योग कौन कौन से हैं तो पहला योग कहता है कि जन्म कुंडली के यदि दसम भाव में चंद्रमा और बुध की युति हो और ऐसे युति पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए जन्म कुंडली के दसम में चंद्र बुध की युति पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये जातक को विरक्त कर देता है दूसरा सूत्र कहता है कि मेष धनु या कुंभ इन तीन में से किसी एक राशि में यदि केतु जन्म कुंडली के बारहवें भाव में बैठे हों तो भी जातक विरक्त स्वभाव का होता है विरक्त स्वभाव का होता है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा विरक्त हो जाना सन्यासी हो जाना विरक्त स्वभाव का होना तीसरा सूत्र कहता है कि दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली में शनि से युक्त होकर के दशम भाव में ही बैठा हो दशमेश यदि शनि से युक्त होकर के दशम भाव में ही बैठा हो तब भी ये ज्योतिष तो शास्त्र का कथन है कि इस योग में जन्मा जातक विरक्त स्वभाव का होता है विरक्त इंद्रिय वाला होता है और वहीं जन्म कुंडली के चतुर्थ में बुध हो और ऐसे बुध पर यदि शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो भी जातक विरक्त स्वभाव का होता है प्रिय दर्शकों मैं फिर आपको इस बात को समझाना चाहता हूं विरक्त स्वभाव विरक्त किसी भी चीज में वो अनुरक्त नहीं होता यहां संभवतः हो सकता है कि एक सन्यासी या एक साधक साधना में अनुरक्त तो कम से कम होता है ना एक साधक की यदि हम बात करें तो चलो और किसी चीज में नहीं दुनियादारी में वो अनुरक्त नहीं होगा लेकिन साधना में तो अनुरक्त होगा यहां जो विरक्ति है वो इस तरह की है कि वो किसी भी चीज में अनुरक्त नहीं होगा संभवतः साधना में भी नहीं अब इसमें कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आता है कि इन सभी सूत्रों में शनिदेव आपको दिखाई पड़ रहे हैं संभवतः ऐसा जातक ये भी हो सकता है कि अपने आप से ही कहीं हीन भावना ग्रस्त हो अगर आपकी कुंडली में तो आप खुद से एक बार आजमा करके देख लीजिए कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके चलते आपके अंदर विरक्ति उत्पन्न हो रही है आपसे बेहतर तो इसके बारे में कोई चर्चा कर ही नहीं सकता कि यदि आपकी कुंडली में योग है तो ये तो हंड्रेड परसेंट है कि आपके अंदर विरक्ति होगी पर वो विरक्ति का कारण क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता चलिए स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र पात्र में आसन पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए अपने गुरु का ध्यान करिए तत्पश्चात त्रिराचम्य तीन बार आचमन करिए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए अपने ऊपर जल छिड़किए आसन पर जल छिड़किए पुनः एक बार हाथ जोड़कर क्षेत्र की आराधना के पश्चात बाएं हाथ से जल को ढकी तीन बार गायत्री मंत्र पढ़िए आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया अभिमंत्रित इस गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए अब आप गायत्री मंत्र अभिमंत्रित जो जल आपने घुमाया उस घेरे में अब आप सुरक्षित हो गए हैं तो केवल जिस घेरे में बैठे हैं वहीं नहीं आप पूर्णतः तो आज सुरक्षित ही हैं इस प्रयोग को मैंने बताया था कि प्राणायाम करना, करना है, करना है। एचक, कुंभक, पूरक, मेरे सभी दर्शक जानते हैं सबको प्राणायाम करना अत्यंत अनिवार्य है आवश्यक है प्राणायाम आपको करना ही होगा प्राणायाम की विधि आप जानते हैं जो लोग नहीं जानते जो नए दर्शक हैं मेरे वो इस लिंक पर आए एक ये वीडियो है जहां मैंने प्राणायाम कैसे करना है इस विधि को आप सभी मेरे दर्शकों को मैंने बताया हुआ है इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए मन ही मन मनिए कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है कायिक वाचिक मानसिक ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई बायोर फेंक दीजिए हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणायण ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार प्रातःकाल का अर्घ थोड़ा झुक करके दिया जाता है अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए ग्यारह किसी क्या उन्हें सवाल जितना आपसे हो सके सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से आप वंचित हैं तो मैं तो रोज समझाता रहा हूं आगे भी समझाते रहने का प्रयत्न करूंगा जिन्होंने किया उनकी जिंदगी बेहद सुरक्षित है जिन्होंने किया वो बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं अब आप की बारी है भुवन भास्कर की आराधना करिए भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है चलिए चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है ये चंद्रमा प्रातः काल आठ बजे तक राहु के और इसके पश्चात फिर पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में रहेंगे गोचर कुंडली में एक परिवर्तन शुक्र के रूप में हुआ है जो कि आपकी राशि पर ही विद्यमान है सुलंबे समय से कोई ऐसी कोशिश करते आ रहे थे जिसमें सफलता पाना आपके लिए बेहद आवश्यक थी आवश्यक था तो समझ लीजिए अब आप सफल होने जा रहे हैं सचेत रहिए है। सावधान रहना है स्त्री पक्ष से दोनों के लिए मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं विवाद होने की संभावना है तो जरा सचेत रहना होगा बाकी अगर देखा जाए तो घर पर अगर आप हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है रविवार के दिन तो छुट्टी ही है दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा छोटी मोटी बाधाएं अगर जीवन में आ रही हैं तो उसका भी निपटारा होगा शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत हद तक सहयोगी है परंतु योजना बना करके काम करना है खान पान पर नियंत्रण रखना है चारित्रिक कमी आपको मुसीबत में डाल देगी कहीं भी रहिए इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए लापरवाही नहीं करनी किसी भी मामले में विशेष करके घर परिवार से संबंधित यदि कोई कार्य है तो उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होइए सफलता आपको मिलेगी और सबसे जरूरी बात मेहनत जितना अधिक से अधिक करेंगे सफलता आपको मिलेगी एकाग्र होकर के अपने काम सारे काम करते चले जाइए आपको सफलता मिलेगी किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य से जुड़ना या गैर कानूनी कार्य करना आज आपके लिए पूरी तरह से नुकसानदेह ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए धन के मामले में थोड़ी चिंता आपको रहेगी पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं जहां भी जरूरत हो जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की कही बात को जरा समझिएगा मानने का प्रयत्न करिएगा तो इससे दिन और श्रेष्ठ हो जाएगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है जीवन साथी को यदि मानसिक अशांति या परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको आज रखना होगा और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा जिसमें पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज लाल है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और वृषभ के जातकों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं ना करें गोचर कुंडली में वैसे तो शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से बारहवें में हुआ है जो कि आपके लिए बहुत हद तक ठीक है परंतु ये ध्यान जरूर रखिए कि कुछ नया करने की कोशिश अभी नहीं करनी है खान पान पर आपको भी नियंत्रण रखना है यात्रा आप कर सकते हैं विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे इस मामले में यदि कोई अनचाही परिस्थिति आती आ रही थी जो कि आपको रोक रही थी उससे आप बाहर हो जाएंगे जरूरत पड़ने पर दोस्त की मदद आपको मिलेगी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है व्यापार में जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा का, काम धाम आपका चलेगा बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है जो भी कार्य करेंगे उसका फल मिलेगा परंतु ध्यान रखिएगा थोड़ा धैर्य रखना होगा और सबसे जरूरी बात स्वास्थ्य का ख्याल रखना है बहुत अधिक जल्दबाजी मत करिए जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए केवल और केवल नुकसानदेह सिद्ध होने वाला है तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा जीवन साथी से तालमेल बना करके चलिएगा और प्रेम संबंध के मामले में भी यही बात कहूंगा तालमेल बिठा करके ही आपको चलना है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं सफलता आपको मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में सचेत रहिए खान पान पर नियंत्रण रखिए भोजन का विशेष रूप से ध्यान दीजिए लकी अंक पाँच लकी कलर आपके लिए आज सफेद भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात यदि मिथुन की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है चाहे वो चंद्रमा का परिवर्तन या शुक्र का परिवर्तन सब आपके पक्ष में है यूं समझ लीजिए कि आपके जितने भी जरूरी काम हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्धि होता दिखाई पड़ रहा है आपको फायदा मिलेगा एक नहीं कई एक तरफ से धनागमन की स्थिति दिखाई पड़ रही है एकाग्र होकर के आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए आपके कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं कारोबारियों के लिए अगर बात करें तो कारोबार में वृद्धि के योग हैं सफलता मिलेगी धन संबंधी मामलों में यदि कोई समस्या थी या ऐसी समस्या का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति आपको मिलने वाली कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है बहुत हद अच्छा तक जो छोटी मोटी आपकी परेशानियां थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी प्रेमियों के लिए बहुत ही बढ़िया है ये परिवर्तन शुक्र का बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का राहु और क्रमशः गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन होना ठीक है प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी आज आप कर सकते हैं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है परिणाम श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है लकी अंक आपके लिए आज तीन लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है भुवन भास्कर को कर कर्क प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है हालांकि गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत खास तो नहीं है पर फिर भी परिवार का साथ मिलेगा परिवार के साथ यदि किसी बात को लेकर के अनबन थी तो वो अनबन दूर होगी या यूं समझ लीजिए कि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या का समाधान निकल आने वाला है परिवार के सदस्यों से बातचीत करके क्योंकि अगर कोई परेशानी है तो बातचीत करनी होगी तो बातचीत करके समस्या का निपटारा करिए यूं समझ लीजिए कहीं भी रहेंगे हर संभव मदद मिलेगी तो वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं सावधान रहिए है। शुक्र के इस परिवर्तन में विशेष रूप से आप दोनों के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए गोचर एक तरह से ही होता है स्त्री वर्ग से जरा सावधान रहना होगा स्त्री के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से अपने लिए यदि कोई फ्लैट इत्यादि ढूंढ रहे थे तो ये आपकी इच्छा पूरी होने वाली है अगर आप की कोई प्रॉपर्टी है जो किराए पर देते हैं और उसके लिए किराएदार की तलाश थी तो वो तलाश आपकी पूर्ण होने वाली है यानी इस मामले में तो दिन ठीक है धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का और आपको अपने खुद के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखना होगा तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों को जरा सचेत रहना है सचेत रहने में ही सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है और प्रेम संबंध के मामले में या दाम्पत्य जीवन के मामले में शक मत करिए सामने वाले पर भरोसा करिए यही आपके लिए जरूरी है विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी और स्वास्थ्य में परेशानी है सिरदर्द या कफ रोग जिनको मधुमेह की शिकायत है उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा लकी अंक दो लकी कलर क्रीम भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात यदि हम सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चाहे वो शुक्र का परिवर्तन हो चाहे चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना दोनों ही तरह से दिन को मैं आपके लिए फायदेमंद कहूंगा आपका कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है समझ लीजिए कि सकारात्मक प्रभाव देता दिखाई पड़ रहा है आज का दिन विवाद से दूर रहिए विवाद में पड़ना आपके हित में नहीं है कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए बढ़िया है पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या का आज यूं समझ ली जैसे एकाएक अंत हो जाए उसका हल निकल आए वक्त पर आपके काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी संतति पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी यानी कुल मिलाकर के सोच समझ करके बस आपको आगे बढ़ते चले जाना है सफलता मिलने वाली है एक और बात जो भी कार्य आप हाथ में लें आज ध्यान रखें कि जहां समझ में ना आए अपने शुभचिंतक जैसे दोस्त माता पिता भाई बहन जो भी आपके शुभचिंतक उनसे राय मशवरा करिए प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है लकी अंक आपके लिए आज नौ और लकी कलर लाल है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जो पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी तो वहीं कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन राशि से अष्टम में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा सो जरा सचेत रहिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में गोचर कर रहे हैं ये चंद्रमा केतु के साथ युति बना करके संचरण करें खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए करियर को लेकर के घर परिवार को लेकर के आज थोड़ी चिंता आपके मन में व्याप्त रहने वाली है हालांकि एक बात बता दूं कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए तयस मत तयस में मत आइए क्रोध मत करिए वाणी पर नियंत्रण रखिए जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए और सबसे जरूरी बात केवल अपनी नहीं औरों की भी सुनिए काम के बोझ के कारण अगर तनाव है इसके चलते क्रोध आ रहा है तो जीवन साथी से बैठ करके बातचीत करिए प्रेमी से बातचीत करिए जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे बातचीत करिए आपकी समस्या का अवश्य समाधान होगा व्यापारियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन व्यापार के विस्तार में कहीं कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही परंतु स्वास्थ्य का बहुत हद तक ख्याल रखना होगा जीवन में जो भी कठिन स्थिति है जल्दी ही आप उसे सुलझा लेंगे बस धैर्य रखिए मन को शांत रखिए संयम के साथ ही आगे बढ़िए जितना हो सके शांत रहने का ही प्रयत्न करिए स्वास्थ्य का तो ख्याल आपको हर तरह से रखना है और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना कन्या राशि के जातकों के लिए एक और बात बताना चाहता हूं शुक्र का परिवर्तन और साथ ही साथ चंद्रमा का राशि से द्वितीय में होना किसी की चुगली और किसी की बुराई मत करिए इससे आपको ही मुसीबत में पड़ना पड़ेगा इधर की चीज उधर मत करिए दाम्पत्य जीवन ठीक है जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन और बात विद्यार्थियों की करें तो अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन विद्यार्थियों के लिए हर तरह से दिन श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं यानी नींद की कमी दिखाई पड़ रही है लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी तो यही तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन भी ठीक है चंद्रमा का आपकी राशि पर होना भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा है सहज रहना बेहद आवश्यक है शांत रहना उससे भी ज्यादा आवश्यक औरों की मदद करना औरों की खुशियों में खुश होना आज यूं समझ लीजिए आपकी समस्याएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी परेशानियों को कम करना चाहते हैं समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था कोशिश अगर आप करते हैं मदद आपको मिलती है तो आपकी समस्या जैसे खत्म हो जाएगी कारोबारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन व्यस्तता रहेगी लेकिन आपके काम बनेंगे जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह आपको मिलने वाली है जिसका सलाह जिसकी सलाह से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए आदर्श जैसा हो तो कुल मिलाकर के आपकी टेंशन में बहुत हद तक कम होते देख रहा हूं जीवन साथी की राय अवश्य लीजिए जीवन साथी की राय लेने से भी आपको फायदा होगा दाम्पत्य जीवन वैसे आपका सुख में से आपका सुखमय है क्योंकि शुक्र का परिवर्तन आपके लिए पक्षधर है आपके लिए ठीक है दाम्पत्य जीवन बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत का है समय जितना हो सके मेहनत करिए सफलता आपको प्राप्त होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है सुजरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा लकी अंक तीन और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जो पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात यदि वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से बारहवें में होना तो ही शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से ष्ठ में हुआ है कुल मिलाकर के देखें तो शुक्र का यह परिवर्तन जो कि आपकी राशि से ष्ट में हुआ है आपके लिए ठीक है कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें औरों के काम में दखल अंदाजी ना करें जो काम आपने हाथ में लिया उसे पूरा करने का प्रयत्न करें ईमानदारी के साथ चिंता रहेगी व्यवसायियों की बात करूं तो फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं जरा सचेत रहिए किसी के कहने पर किसी की बातों में आकर के धन कहीं मत लगाइए विचार स्वयं का होना चाहिए सोच समझ करके ही कोई काम करिए कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो रुकिए ना करें यात्रा के लिए भी समय बहुत उपयुक्त नहीं है हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी हालांकि शुक्र का परिवर्तन आपके पक्ष में है पर फिर भी थोड़ी परेशानी है बात बात पर गुस्सा आ सकता है छुट्टी का दिन है संभव है कि परिवार के सदस्यों के साथ ही आप क्रोध करें उनके ऊपर क्रोध करें इससे आपको बचना है कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं परंतु ध्यान रखिए किसी भी मामले में अति मत करिए बिना सोचे समझे कुछ न खरीदिए नहीं तो आपका नुकसान होगा दाम्पत्य जीवन में से कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए प्रेम संबंध में आज परेशानी है कोई ना कोई गलत फहमी उत्पन्न हो जाएगी तो इस मामले में आपको सचेत रहना है विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से थोड़ा भटकेगा मन इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधान रहिए और सबसे जरूरी बात आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं तो जरा सत सचेत रहिएगा लकी अंक तीन लकी कलर आपकी आज केशरिया है भुवन भास्कर को कोर्घ प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी तो धनु के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना और शुक्र का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से पंचम में हुआ है ठीक है समय ठीक है आपके लिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं कहीं उलझे हुए थे तो समझ लीजिए कि उस उलझन से निकलने वाले हैं रास्ता यदि साफ नहीं दिख रहा था तो बस समझ लीजिए रास्ते अब साफ दिखेंगे काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है किसी भी तरह के उलझन को किसी भी तरह की परेशानी को आप शीघ्र ही पार करने वाले हैं कोई बड़ा नुकसान हो गया था तो समझ लीजिए उसकी भरपाई होगी विशेष धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं कुल मिलाकर के दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है छुट्टी का दिन है परंतु सकारात्मक है आपके लिए आनंददायी है और बड़ी ही आनंद के साथ समय बीतने वाला है प्रेमी के साथ अनबन की संभावना है समस्या होगी फिर सुलझ भी जाएगी बाकी कुल मामले कई कुल मामलों में देखें तो फायदा है दिन में धनदायक रहने वाला है दिन धन लाभ कर प्रदान कराएगा कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है तो अच्छा है दिन आज के इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए शुक्र के परिवर्तन से भी आपको फायदा ही मिलने वाला है किसी न किसी तरह की खुशी मिलेगी कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है और प्यार का इजहार इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिएगा व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है प्रेम संबंध में जो प्यार का इजहार करना चाहते हैं नए उनके लिए अलग है और जो प्रेम संबंध में पहले से कुछ हद तक तनाव की स्थिति होगी बाद में सब ठीक हो जाएगा और विद्यार्थियों के लिए तो कहीं रहा हूँ सब कुछ ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं तो अनुकूल मिला करके धनुराश के जातकों के लिए दिन ठीक है पेट से संबंधित यदि परेशानी थी तो खान पान पर नियंत्रण रखिए स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या थी वो दूर होगी लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है भुवन भास्कर को के प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन ठीक है आपके लिए और चंद्रमा का भी परिवर्तन आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम में है तो ये चंद्रमा भी आपके लिए ठीक ही है रुके हुए जितने आपके काम हैं आप शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं जो भी मौका आपको मिलता है उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए अपने फायदे के लिए जो भी कदम आप उठाना चाह रहे हैं अपने सपने को साकार करने के लिए जो भी कदम आप उठाना चाह रहे हैं उसके लिए मेहनत करिए आपको सफलता मिलेगी कोई मीटिंग इत्यादि है मुलाकात इत्यादि कहीं करनी है तो उसके लिए दिन बेहद फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है कोई बड़ी डील है तो डील पूरी होने वाली है कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जो कि निसंदेह आपके लिए संतुष्टिदायक है कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं अचल संपत्ति से संबंधित कोई खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो करिए ये जरूर ध्यान में रखिए कि और कोई किसी माता पिता की अगर सलाह से कोई कार्य ऐसा करे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है प्रेम संबंध में सफलता मिलते दिखाई पड़ रही है प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो उस मामले में भी दिन मकर राशि के जातकों के लिए बढ़िया है और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अधिक मेहनत कराने वाला है दिन मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करनी है परंतु सफलता आपको मिलेगी सफलता में कोई कमी नहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत हो सकती है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा लकी अंक दो लकी कलर मैरून भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात यदि कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए भी यह गोचर शुक्र का बहुत अच्छा है बाकी चंद्रमा का आपकी राशि से नव में होना दिन बढ़िया है यूं समझ लीजिए कि आपके लिए हर तरह से दिन अच्छा रहने वाला है वाणी पर नियंत्रण रखिएगा जीवन शैली में अगर कोई बदलाव करना पड़े यानी गलत खान पान गलत आदत है तो उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है तो करिए कोई टेंशन कोई परेशानी थी तो वो बहुत हद तक कम हो जाएगी अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य जैसे कोई दुकान मकान या कार्यालय इत्यादि खरीदने का मन बना रहे थे खरीदिए कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है कारोबार के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है कुछ बड़ा बदलाव है आपके मन में अपने जीवन में करने के लिए कर सकते हैं यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है भाग्य का साथ मिलेगा माता पिता के साथ संबंधों में तो वो कम हो जाएगी। कुल मित्रता वाले संबंध में यदि कोई मनमुटाव मन, मन, इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उसमें सुधार करने के लिए दिन अच्छा है कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा दाम्पत्य जीवन आपका लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों तो के लिए भी बहुत अच्छा है दिन किसी थी है, है दिन किसी भी फील्ड के विद्यार्थी ठीक है स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है लकी अंक आपके लिए आज आठ लकी कलर आपके लिए क्रीम है भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना शुक्र का परिवर्तन जो कि आपकी राशि पर हुआ है सोच समझ करके ही अपना व्यवहार आगे बढ़ाइए शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि पर होना चारित्रिक कमजोरी आपको मुसीबत में डालेगी दूसरों से उम्मीद कम रखिए अपना व्यवहार जितना हो सके उसको और दुरुस्त कीजिए याद रखिएगा आपके व्यवहार से लोग नाराज हो सकते हैं स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना और शुक्र का आपकी राशि पर आना भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दर्शा रहा है व्यापारियों को व्यापार से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम करेंगे और कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ेंगे पहले हर चीज को समझने का प्रयत्न करिए भली भांति समझ लीजिए इसके बाद ही कहीं कदम उठाइए ज्यादातर मामलों में परेशानी दिखाई पड़ रही है सचेत रहना बेहद आवश्यक है किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद्द मत करिए क्रोध से ज्यादा नुकसान होगा वाणी पर नियंत्रण रखिए अगर चाहते हैं कि परेशानियां दूर हों तो जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी राय मानिए यानी कुल मिलाकर के दिन थकाने वाला है परेशानी में डालने वाला है तनावपूर्ण पूर्ण नहीं बीतेगा सचेत रहिए अच्छी बात यह है कि छुट्टी का है सो परिवार के साथ रहिए पैसा न देना न लगाना ऐसा कोई कार्य नहीं करना है नहीं तो और ज़्यादा मुसीबत में पड़ेंगे कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो मीन राशि के जातक नया कुछ भी प्रारंभ ना करें जीवन साथी की कही बात को मानिए जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा जीवन साथी से तालमेल बना करके चलिए जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन आपका लगेगा मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी है थोड़ी नहीं ज्यादा ही है स्वास्थ्य को लेकर के तो विशेष सचेत रहिए लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है भुवन भास्कर वर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीनी राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार